नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ मेघा भाटिया। दिल्ली ने तोड़ा सारा ठंड का रिकॉर्ड। जी हां, दिल्ली में आज भी पड़ रही है तड़ाके की ठंड। आज का टेम्परेचर 2.3 दर्ज किया गया है। जी हां, अगर ऐसी ही ठंड पड़ती रही दिल्ली में तो पहाड़ी इलाके शिमला और मसूरी को टक्कर दे सकती है दिल्ली NCR। अगर हम बात करें दिल्ली NCR में देर रात 2 बजे की, तो हमें 2 डिग्री से टेम्परेचर कम दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों को काम पे जाने का भी मन नहीं कर रहा, और जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है। ऐसे में सरकार को छोटे बच्चों की छुट्टी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, या फिर उनका जो स्कूल का टाइम है थोड़ा सा लेट का कर देना चाहिए। इतने तड़ाके की ठंड में अगर हम बात करें इंसान, तो इंसान जानवर भी जो है सड़कों पर ठंड से जूझ रहा है। वहीं अगर हम बात करें जिनके पास घर नहीं है, वो जगह जगह पर आग लगाकर अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं। जिनके पास कपड़े नहीं हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि वो कैसे ठंड में अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है ठंड में लोगों को ऐसे सर्वाइव करना। कुछ लोगों की तो ठंड से मौत भी हो गई है। वहीं हम बात करें हरियाणा और पंजाब जैसे इलाकों में, कहीं जगह पे टेम्परेचर माइनस में देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जहाँ दिल्ली NCR में भी 0 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिले, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देश का वातावरण बहुत ख़राब हो रहा है। और जो सिस्टम जो चल रहा है पॉल्यूशन वगैरह को देखते थे, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में और तड़ाके की ठंड होगी। तो आप सोचिए, इस साल इतनी ठंड पड़ी है, तो आने वाले 2-4 सालों में कितनी ठंड होगी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में दिल्ली का क्या हाल होने वाला है ठंड में। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली का टेम्परेचर 0 से कम डिग्री में भी दिख सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली NCR भी किसी पहाड़ी इलाकों से कम नहीं है। अब देखना ये होगा आगे के दिनों में कितनी और ठंड पड़ेगी, या फिर और सालों में 2-4 सालों में ठंड कहाँ तक टेम्परेचर को लेकर जाएगी। बाकी की आप तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन।